कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी यह भारत का एक राजनीतिक दल है और एक उग्रवादी संगठन भी है। नक्सली भी एक समूह है जो माओवादियों का हिस्सा है। उनका उद्देश्य भारत सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2 अप्रैल को 2000 सुरक्षाकर्मी माडवी हिडमा नामक एक माओवादी नेता को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में खोज रहे थे। खोज के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों के पास चल रहा था। उनके बीच लड़ाई 4 घंटे चली। आतंकी मुठभेड़ में 22 जवानों ने अपनी जान गंवाई और 31 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ में 12 नक्सली भी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह मनहास नामक कमांडो का अपहरण कर लिया। वह CRPF के कोबरा यूनिट का हिस्सा है। नक्सलियों ने मानस की एक तस्वीर भी जारी की और मांग की कि भारत सरकार अधिकारियों को उनकी मांगों पर बात करने के लिए भेजे। फोटो जारी होने के बाद लोग घबरा गए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि जवान की सुरक्षित वापसी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। कमांडो के परिवार ने केंद्र सरकार से उसके सही सलामत घर लौटने की गुजारिश की थी, क्योंकि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। 8 अप्रैल को सरकार ने घोषणा की कि 2 सरकारी अधिकारियों को बातचीत के लिए भेजा गया था। 100 गांव वाले भी उपस्थित थे, 7 मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। चर्चा के बाद जवान को छोड़ दिया गया। उसे जांच के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। जवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उन्होंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। अमित शाह ने जवान के परिवार से भी बात की।